तो गाइस अभी फिर से हाइक करना पड़ेगा और फोटो वोटो खींचने के बाद हाइक करने फिर से चले। आज दिन भर हाइक गेम खेलेंगे। हिमाचल पर्यटक जाखू मंदिर, यहाँ से आपको ऊपर जाना होता है, ये रहा नीचे चर्च। नहीं अंकल जी, थैंक यू, चलते ऊपर। यहाँ से शुरू होता है पैदल के लिए। कहाँ पर जाना पड़ेगा पैदल के लिए कुछ यहाँ पर आपको खाने वाने की चीज़ भी थोड़ा बहुत चटपटा चीज़ मिल जाएगा। और पैदल के लिए एरा रोड कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? फिर भी जूस, हाँ बड़ा वाला जूस वहाँ पे उस पेड़ के ऊपर वो लड़की बैठ जाना। अच्छा जी, बंदर बहुत ही मैं अभी तो मुझे डर लगने लगा क्योंकि यहाँ पर पीछे एक मोहतरमा बैठी थी, उनसे जूस छुड़ा के लेके गई, मेरे गोपो छीन के ना लेके जाए। और पीछे छोटा सा मार्केट भी है मेरा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ब्लैक कलर का होता है। अरे ब्लैक की बात नहीं, छीन के ले जाए खेल खत्म। ये है सामने मेरे हनुमान जी बैठे, हनुमान जी इन्होंने लेके गए थे पहाड़। यार मेरा जूस पूछने लेके जाए, मुझे डर लगता है बहुत। मैं अभी कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए? ओ जाखू टेम्पल अभी तो बहुत है, फिर भी लग जाएगा आपको आधा घंटा, एक घंटा लग जाएगा। चलो थैंक यू जी। मैं ये मोहतरमा ने मैंने पूछा तो बोला अभी एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, हालत ख़राब है मेरा। गाड़ी भी जा रहा है, टैक्सी भी जाते हैं यहाँ से, तो कूड़ा का देने वाला गाड़ी है नीचे से। पर आप अगर नीचे से अगर कैब बुक करें, टैक्सी बुक करें तो 500 रुपया एक गाड़ी में, जितने लोग जा सकते हो एक टैक्सी के लिए 500 रुपया हमने पूछे थे, बट हम तो बजट ट्रैवलर है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। हम जैसे भी करके कुछ भी हो चढ़ेंगे ऊपर जरूर। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। किसको क्या बोल रहे पता नहीं चल रहा है। इंडिया एक रेस्ट रूम है और ऊपर यहाँ से है जाखू मंदिर, लेफ्ट यहाँ से जाना है। इस आंटी को बिग बिग रेस्पेक्ट, इस उम्र में भी चल रहे आराम से और हम थक रहे। बिग रेस्पेक्ट आंटी। सामने हनुमान जी बैठे हैं फिर से गाड़ी के ऊपर, सब गुस्सा हमारे ऊपर। सुबह बस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख लगा है। सुबह जो बस स्टैंड से ओल्ड बस स्टैंड से जो पराठे लाए थे गरम गरम, बहुत ठंडा हो चुका है, अभी खाएंगे, भूख बहुत तेज़ लगा है। ये रास्ता दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे है भगवान जी और ये सीढ़ी से चढ़ के हम जाएंगे, कुछ खा लेते हैं। बस दिक्कत इस बात की है कि बंदर ना देख लें। हाँ यहाँ पर बंदर का दिक्कत है इसलिए हम यहाँ पर खा के जा रहे हैं, नहीं तो ऊपर जाएंगे तो बंदर सब छीन छान लेगा। तेरा पराठे टेस्ट करते हैं कैसा देखते हैं, थोड़ा अचार आलू पराठे उसके साथ साथ अचार और केला था हमारा, केला भी है। टेस्ट कैसा है बताइयो, मैदे वाला पराठा है, अनहेल्दी तो है क्या करे। कैसा है टेस्ट, सब सही होना पड़ेगा। अब टेस्ट नहीं, यहाँ पर टेस्ट देख के चल नहीं सकते, जो भी है वो हमें चलाना पड़ेगा। आलू पराठा बोले थे ना, आलू पराठा बोलते आलू है ना, स्टफ है ना, ये तो रहा आलू भाई तेरे को। आलू पर तू आलू पराठा खा रहा है, फर्स्ट टाइम खा रहा है क्या? लगने दे आलू। अच्छा कोई नहीं, चलो जो भी है कोई तो खा के उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय। खाना कर लिया ख़त्म और फिर से चलना शुरू कर दिए। और सामने एक दुकान लगता है, तेरा अंकल जी एक दुकान है। और अंकल जी कितना सीढ़ी है यहाँ से? 116 सीढ़ी रहेगी, 116 सीढ़ी। फिर पहले बाबा बालकनाथ का मंदिर है, फिर हनुमान जी का है। हनुमान जी के मंदिर यहाँ से कितना सीढ़ी है?
हनुमान जी की सीढ़ी है नहीं, हमने गिनी हुई ये 7 लास्ट चढ़ाई है। ले जाओ प्रसाद, प्रसाद ही मिले। चलो नहीं हट चढ़े, प्रसाद लेते जाओ। कोई बात नहीं, चलो चलते आगे। अंकल जी बोले कि सामने और एक मंदिर पड़ेगा, उसके बाद जाके जो जाकू टेंपल का, हनुमान जी का टेंपल का सीढ़ी वहाँ से शुरू होगी। ये वाला सीढ़ी नहीं, मैंने सोचा ये वाला सीढ़ी है क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था इससे पहले। तो चलते आगे, ठंड बढ़ गया बहुत सडनली। हाँ बहुत ठंड लग रहा है अभी, हाथ लग रहा है कि हाथ जम रहा है। क्लाउड की वजह से तो है, बट पता नहीं सडनली। और यहाँ पर सडनली वेदर सडनली चेंज होता है, कभी बारिश हो जाता है, सडनली ठंड हो जाता है। और कुछ देर पहले आपने देखी होंगी चर्च गेट में मैंने मेरा जैकेट मैंने खोल दिया था गर्मी की वजह से, थोड़ा गर्मी हो रहा था, अभी मन कर थोड़ा पहन लूँ। हाथ पूरा जमना शुरू कर रहे फिर से। चलिए चलते, अगर बारिश होगा तो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पिछले 2.5 घंटा ट्रैक करके, और ऊपर आपको दुकान टैक्सी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा उधर। यस साइड में टैक्सी एक लग गया ना। अरे श्री हनुमान जाकू मंदिर, तो चलिए चलते ऊपर। कितना सीढ़ी देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप अगर चाहो तो यहाँ से व्हील चेयर लेके भी जा सकते हो ऊपर, उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, बट हमें क्या, हम तो पैदल ही जाएंगे। सो गाइस पिछले 2.5 घंटे ट्रैवल करके, मतलब पैदल चल के, हमें अभी जाके भगवान जी का दर्शन मिला। बस इस भर गाइस ये जो हनुमान जी पीछे आप मूर्ति देख रहे हो, इस मूर्ति का जो हाइट है वो 108 फीट, और इसमें आपको 85 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। और इसका अभी जहाँ पर फ़िलहाल हम खड़े हैं इसका जो हाइट है वो है 2,450 मीटर। मैं इधर उधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि पीछे जो बंदर देख रहा हूँ ये हर किसी को परेशान कर रहा है। आप ये भी ध्यान रखें, सामने देख सकते हो किसी के वो लेके दुपट्टा, पीछे मैडम का वो दुपट्टा लेके गया है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें यहाँ पर कभी भी आए। और यहाँ पर जो गाइड है वो भी बार बार आपको बोलते रहेंगे कि प्लीज़ आपका सामान का ध्यान रखें, नहीं तो बंदर लेके जाएंगे। ठीक है, मैं गोप्रो एक ही मेरे पास है, गोप्रो चश्मा लेके चल गया। देखो गाइस दूर फेंको प्रसाद, उतरी आराम से। देखो देखो कितना परेशान कर रहे हैं। हेलो भाई साहब, भाई काट लेगा भाई, आ जाओ भाई, थोड़ा इस बंदरों से बच के, स्पेशली यहाँ पर बहुत परेशान करते हैं इन लोगों, थोड़ा बच के रहना आपको। दुपट्टा ले गए मैडम का, बट बहुत भीड़ लगा है चारों तरफ। कोविड के बाद अभी लोग आना जाना कर रहे हैं मोस्टली, बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको दो तरीके फैसिलिटीज़ है, सॉरी 3 तरीके फैसिलिटीज़ है अभी ऊपर आने के लिए नीचे से। एक तो है आपको टैक्सी, टैक्सी के लिए आपको देना पड़ेगा, जो चर्च था नीचे आपको दिखाई दे, चर्च से आपको 500 रुपीज़ देना पड़ता है। और आप पैदल आ सकते हैं हमारे तरह, और आप चाहो तो रोप वे भी यूज़ कर सकते हैं। रोप वे के लिए आपको 1 वे, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एक साइड से जाना चाहते हैं तो उसके लिए 295, और बोथ साइड के लिए आपको देना पड़ेगा
500 है 550 बार्गेनिंग के हिसाब से आप यहाँ पर आके बार्गेन भी कर सकते हो। और माहौल आज का कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर, हर मतलब 5-10 मिनट के बाद यहाँ पर वेदर चेंज होता रहता है। ये देखो सामने बैठे है, और गाइस यहाँ पर पीछे ये जो मंदिर है देखो रहे, यहाँ से अब एक जाकू वन है, फॉरेस्ट है वहाँ पर, अब जाके उसके अंदर भी आप घूम सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। ये शूट मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गोप्रो का चार्ज खत्म हो चुका है। वैसे यहाँ पर जो जाकू टेम्पल लोग इतना ज़्यादा आते क्यों, कितना क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्मण भगवान को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे, हनुमान जी आए थे, सबसे पहले तो कसौली आए थे, उसके बाद बालाजी टेम्पल कालका में आए थे, उसके बाद यहाँ पर आए थे ढूंढने जो जड़ी बूटी, और यहाँ आके रेस्ट किए थे। तो ये था स्टोरी है। और यहाँ पर लोग आते बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि कोविड की वजह से अभी थोड़ा हल्का, अभी मैंने पूछा था कोविड की वजह से थोड़ा कम है, नहीं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, खास करके इस टाइम। तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि हिमाचल क्यों कहा जाता है देवभूमि, यहाँ आके मुझे फील हुआ। आप भी प्लीज़ एक बार हिमाचल ट्रैवल जरूर से कीजिए अपने ज़िंदगी में एक बार प्लीज़। सो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं किसी और एक ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।